आप सभी को खुशामदीद है हमारे चैनल में। तो देखिए, मैं मम्मी के घर पे आई थी, मुझे पता नहीं था यहाँ पावर नहीं है। इन लोग की सुबह से पावर नहीं है, सुबह 11 बजे से यहाँ पे मिल्लत नगर में पावर नहीं है। हम तो कहीं दूसरे जगह पे रहते हैं। तो अभी देखिए, पूरा किचन घर भर सब अंधेरा है, पावर नहीं है तो पानी भी नहीं है, नो पावर नो वाटर। अब क्या होगा, क्या पता इन लोग खाना वाना भी खाए कि नहीं। अगर मुझे बताते हैं तो मैं इन लोग को अपने घर बुला लेती, और देखो इत्तेफाक से मैं भी आ गई इनके यहाँ पे। तो अभी आ गई हूँ, देखिए किचन में पूरा अंधेरा अंधेरा है, पता नहीं इन लोग खाना बनाए भी थे कि नहीं। सब तो मुझे खाली खाली लग रहा है, क्या खाए। तो अभी ये बोल रहे हैं कि स्नान बोल रही कि मेरा भी आज काम नहीं हुआ, मेरा भी आज का काम गया, काम नहीं कर पाए। तो बोल रहे थे कि चलो बाजी हम लोग कहीं घूमने चल रहे हैं, चलिए आज हम लोग की तरफ से आप लोग को पार्टी। ठीक है चलो। तो अभी कैसा है कि असल अम्मी को ही बोल रही थी, अम्मी उस दिन हमारे साथ जुहू चौपाटी गए नहीं, तो भिवंडी में शायद बोल रहे थे कि हाँ भिवंडी के आगे थोड़ा ढाबा क्रॉस करेंगे ना, तो वहाँ पे एक मैकडोनल्ड्स है, तो वहाँ पे ना बर्गर वगैरह बहुत अच्छा मिलता, फ्राइज वगैरह। तो हम लोग बोले ठीक है चलते हैं वहीं पे। तभी देखिए पावर का कोई भी भरोसा भी नहीं, कब आएगी नहीं आएगी। तो अब ऑटो में तो हमें फ़ोन करने के बाद पता चला कि आएगी 7 बजे तक, लेकिन अभी तक तो कुछ कोई अपडेट नहीं है। पानी भी नहीं, पता नहीं यहाँ पर क्या सिस्टम है, जब पावर नहीं रहती है ना तो किसी नल में पानी भी नहीं आती है। तो जलते हैं वहाँ पे ढाबे के आगे में। क्या है अस्तेहान जरा तुम बताओ, क्या है खाने के बारे में लोगों को? मैं घर में अच्छा बता रही हूँ, फिलहाल जूस लेके जा रहे हैं। ऐसा तैयार हो गया क्या? देखो तो ऐसा क्या पहने हो? अच्छा ठीक है, चलो फिर चलते हैं। चलो चलो आयशा चूरा शूज पहन लो, आ जाओ पहन के आओ। देखिए अम्मी के घर के सामने का व्यू है, और ये मस्जिद है का माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और ये देखिए शाम भी होने वाली थी, अब थोड़ी देर में अजान भी होने वाली थी, सूरज भी थोड़ी देर में डूबने वाला था। और ये देखिए ये जो व्यू है ये अम्मी के घर के सामने का है, वो पीछे का था जो अभी दिखा है, बैक साइड का है, और ये फ्रंट का है। तो यहाँ पे मामू भांजा ग्राउंड है, बहुत बड़े ग्राउंड है, यहाँ पे अक्सर शादियाँ वगैरह भी होती है, बाजू में मैरिज हॉल भी है, और यहाँ पे मेला लगा था उस दिन में भी, शायद उर्स वगैरह था, इसके लिए छोटी सी मेले वगैरह भी थी। और देखिए अभी मगरिब की अजान हुई, फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़े, फिर ओला बुक किए, फिर हम लोग इधर मैकडोनल्ड्स आ गए घूम, इधर जैसे कि पहले आपको बताए थे। फिर मैकडोनल्ड्स आए, ये अपने घर के कहाँ पे पड़ते हैं? ये हमारे घर के जो ढाबा है, ढाबा के पीछे वाले रास्ते पर ही, तो मिल्लत नगर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूरी पर है ये। अच्छा था, हाईवे पे था माशाल्लाह, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, और मैकडोनल्ड्स था तो भिवंडी में काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे लोग अक्सर जाते हैं, थोड़ी सी दूर है लेकिन अच्छा लगता है। अगर आपको ज़्यादा नॉइज़ वाला एरिया नहीं चाहिए तो, ख़ास करके अम्मी नहीं गए थे उस दिन, तो हम लोग ने सोचा क्यों है, अम्मी बोले जहाँ पे 2-3 घंटा लगेगा वहीं पर जाएंगे, तो अम्मी के लिए हम लोग आ गए थे यहाँ पर। और घर में लाइट वगैरह भी नहीं थी, काम भी नहीं हो रहा था स्लियान का, तो फिर सब लोग चले आए, और इसी बहाने अम्मी को भी घुमा दिया। तो देखिए ये मैकडोनल्ड्स के अंदर का काफ़ी अच्छा बनाया था इन लोगों ने, बच्चे लोग के लिए ड्राइंग वगैरह, ये देखिए। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडी थी, इन्होंने असल में एक दो दो अलग कंपार्टमेंट बनाए थे ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये हाई कूलिंग जोन था और जो आउटसाइड था वो लो कूलिंग जोन था, तो बाहर लेकिन वो लो कूलिंग जोन सारे बाहर जो लो कूलिंग जोन था उसमें ऐसा लग रहा था कि कुछ कूलिंग ही नहीं, इसके लिए हम लोगों ने जो है जो कूलिंग जोन था हम लोग उसके अंदर थे। तो इन लोग को तो अच्छा था कि बुरका पहने थे, इन लोग को तो ठंडी नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। तो देखिए यहाँ पे सबके लिए मील मंगाए थे, अच्छा ज़्यादा लोग थे, और फिर मील काफ़ी अच्छा होता है, जिन लोग को नहीं पता होता है उन लोग फंस जाते वहाँ पे क्या हुआ था। और कुछ लोग जो थे वो एक चिकन बर्गर ले रहे थे, फिर कोई फिर एक फ्राइज ले रहे थे मीडियम, और एक कोक ले रहे थे। तो अगर ये सेपरेटली अगर वो ख़रीदते हैं तो 350-400 का हो जाता है, लेकिन अगर ये मील अगर आप अपने मोबाइल से अगर मैकडोनल्ड्स का ऐप डाउनलोड करेंगे और मील सेलेक्ट करेंगे तो ये 179 का हो जाता है, तो दुगना या 2.5 टाइम्स एक्स्ट्रा क्यों देना। तो बहुत सारे लोग जो नहीं ऐसा कर रहे थे तो उनको मैंने देखा कि कोई 350 पे कर रहा है, कोई 400 पे कर रहा है, और सेम वही मील ले रहा है, मैक चिकन ले रहा है, और ऐसे करके लोगों का बिल बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा, एक एक का तो 3,000 का तकरीबन 3,000 रुपए तक पहुंच गया था।
जबकि अगर वो ऐसे जैसे हमने मिल लिया था तो ये उनको 1200 में पड़ जाता या 1100 में पड़ जाता। तो देखिए सबके लिए मील मंगाए थे, और आयशा फ्राइज खा रही थी, कोक पी रही थी, उसको बहुत ही अच्छा लगा। बर्गर नहीं खाई वो, मैक चिकन भी नहीं खाया, आलू टिक्की भी नहीं खाई उसको, बस खाली फ्राइज खा रही थी और कोक पी रही थी उसको बहुत ही। और अभी देखिएगा इसका एक्सप्रेशन, देखिएगा इसके मुंह का। लेकिन उसको थोड़ा सा ज़्यादा ठंडी भी लग रही थी, और मतलब फर्स्ट टाइम जब हम कोक वगैरह मुँह में लेते थोड़ा अजीब सा मुंह बन जाता, लेकिन ये पीना नहीं छोड़ी थी माशाल्लाह। ये पी, कोक को पूरा पी, और फिर फ्राइज भी खाई, फिर हम लोगों ने भी खाए पिए, और फिर वहाँ पे थोड़ी देर बैठे भी। और आइसक्रीम वगैरह शायद नहीं मिल रही थी ना वहाँ पे। नहीं, आइसक्रीम नहीं है ये, मैकडॉनल्ड्स का, ये मैक कैफ़े भी है अटैच्ड। तो मैक कैफ़े हर जगह पे रहता नहीं है मैकडॉनल्ड्स का। नॉर्मली आप देखेंगे कि मतलब यानी मैकडॉनल्ड्स ही है, क्योंकि मैक कैफ़े जो है ये कैफ़े का एडिशनल उन्होंने चालू किया था, और ये उनका उतना थोड़ा सा पॉपुलर नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको प्रेफर करते हैं। तो ये मैक कैफ़े था यहाँ पे। आइसक्रीम वगैरह हम लोग वहाँ पे देखे नहीं। हाँ ये बात है कि वहाँ पर पता नहीं क्यों आइसक्रीम नहीं थी। लेकिन कोल्ड कॉफी वगैरह था वहाँ हाँ पे। तो कैफ़े था, तो कैफ़े की वजह से तो और कोल्ड कॉफ़ी वगैरह मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आइसक्रीम नहीं थी। अब मोस्टली कैसा रहता है कि मैकडॉनल्ड्स का जो आइसक्रीम मशीन रहता है ना, वो डेड रहता है ऑलमोस्ट मोस्टली। इसके ऊपर बहुत सारे इश्यूज भी हुए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग मशीन देखे ही नहीं है। डेड तो दूर की बात है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर था ही नहीं। तो हम लोग तकरीबन 5 मैक चिकन मील लिए थे, और 2 या 3 आलू लिए थे, और एक पार्सल भी लिए थे, और ये हम लोग पार्सल लिए थे एक एक्स्ट्रा। उसके बाद सब लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड फील करने लगे। इसके बाद थोड़े से बाहर आ गए, और यहाँ पे मफिन्स वगैरह भी था, तो फिर मफिन्स हाँ वगैरह असल में वो अंडे का रहता है, तो इन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने लिया नहीं तो यहाँ पे ये। थोड़ा सा बैठ गए, और फिर ओला बुक करने लगे। तो मैं बोली जब तक वो आएगा तब तक अंदर बैठते हैं, और बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग रही थी सबको, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा वेट करने लगे बैठ करके। फिर हम लोग बाहर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे ना बहुत पहले हम, मैं और हस्बैंड जी गए थे, तो यहाँ पे झूला भी था ना, झूला भी था, और वो मैकडोनल्ड्स का जो स्टैचू रहता है ना वो भी था, इससे पहले जब हम लोग 2016 में गए थे। लेकिन इस बार बोलते हैं कि लॉकडाउन में सब हटा दिए, झूले भी हटा दिए, और वो मैकडोनल्ड्स का जो स्टैचू रहता है ना, जो हर मैकडोनल्ड्स के बाहर रहता है, तो यहाँ से हटा दिए थे। हम लोग तो ओ सोच करके गए थे कि यहाँ पे होगा, तो आयशा को थोड़ा झूला भी झूल लगे, और हम लोग मैकडोनल्ड्स में ये सब बर्गर वगैरह भी खा लेंगे, लेकिन था नहीं, थोड़ा सा दूर था ये इसके लिए। वो किड्स जोन के लिए अलग से उन्होंने बनाया था किड्स प्ले एरिया, लेकिन वो सारी चीज़ों में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है अब कस्टमर्स के बैठने के लिए। तो मुझे लगता है बिकॉज़ इट इज़ ऑन हाईवे, तो ज़्यादा अगर जब कस्टमर्स आ जाते होंगे तो दे माइट बी फेसिंग डिफ़िकल्टी फॉर प्लेसेस। तो इसीलिए उन्होंने ये जो आप देख रहे हैं ये आउटसाइड एरिया, ये चेयर्स जो लगे हुए हैं येलो कलर के, ये सब के सब जो है ना यहाँ पे किड्स जोन था, ठीक है, सब कोने में, एंड दे रिमूव्ड इट आई थिंक बिकॉज दे डिडंट हैव मच प्लेस फॉर पीपल टू सिट। फिर और अभी हम लोग, हाथ थोड़ा सा गंदा लग रहा था तो हम लोग ने हाथ धोया, फिर बाहर की तरफ निकल गए, और उसके बाद ओला बुक किए थे, तो ओला वाला आ ही जाएगा इंशाल्लाह। और अभी देखिए तो अभी हम लोग आउटसाइड जा रहे हैं, और आयशा भी है नानी के साथ, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट किए थे। तो बाहर था ना, आउटसाइड में था तो अच्छा लग रहा था, और भीड़ भाड़ नहीं थी, और गार्डनिंग जैसा यहाँ पे बना हुआ था हल्का फुल्का। तो देखिए अभी हम लोग उतर रहे थे, और फिर यहाँ से ओला पकड़ेंगे, फिर घर जाएंगे, और फिर घर जाके देखेंगे पावर आई है कि नहीं। अम्मी के घर में कैसा है कि जब पावर जाती है ना तो वहाँ पे पानी भी चली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम जो टाकी को स्टोर करते हैं वहाँ पे पानी रहती है, लेकिन उन लोग का टाकी वाला पानी आता ही नहीं है, इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी उस दिन। देखिए आयशा मेरे को छोड़ के जा ही नहीं रही थी, अपनी मम्मी के ही हाथ पकड़ के जाना था उसको। तो देखिए अब नानी और मामी सब लोग आगे चले गए, फिर भी ये मुझे नहीं छोड़ रही थी, और हम लोग जा रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा सबको, मतलब थोड़ी देर के लिए आए थे, 2 2 घंटे के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए, लेकिन अच्छा लगा अम्मी को, तो अम्मी को अच्छा लगा तो सबको अच्छा लगा। उस दिन अम्मी नहीं गए थे तो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर अभी हम लोग चलते घर की तरफ। और बाय द वे कुछ लोगों को जिनको मालूम है ड्राइव थ्रू क्या है, तो ड्राइव थ्रू की फैसिलिटी है यहाँ पे, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कम इन एंड विदाउट लीविंग योर कार यू कैन टेक द बर्गर टेक अवे।
तो ये भी था। पिरी पिरी इनका नया एक फ्लेवर है जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया विद चिकन बर्गर। आई हैव टेस्टेड वंस और ट्वाइस और मुझे कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं लगा। तो देखिए अब हम लोग घर आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पावर आ गई थी, जैसे कि बाहर देख के लग रहा है कि पावर आ गई है, लाइट पावर यहाँ पे लाइट वगैरह जल रही थी। हाँ देखिए घर में भी पावर आ गई, तो हम लोग घर में एंटर किए और आयशा तो पहले ही जी गई और फिर उसको पूछ रहे थे कैसा लग रहा है, तो बोली थी हाँ अभी अच्छा लग रहा है मम्मा लाइट आ गई है यहाँ पे, वो बोल रही थी। तो फिर अभी हम लोग बैठ गए, काफ़ी दूर थी लेकिन मम्मी बोल रहे थे काफ़ी दूर थी, 8 किलोमीटर अच्छा खासा दूर रहता है। नहीं तो ये कल्याण जैसे 11 किलोमीटर है, तो जिस तरीके से हम लोग गए थे ना, असल में एक शॉर्टकट भी है बीच वाले रास्ते से जो निम्बावली गांव के पास पड़ता है, निम्बावली से सीधा दूसरी तरफ निकलता है, लेकिन बिकॉज इट वॉज टू डार्क तो हम लोग वहाँ से गए नहीं। और अगर वो रास्ता अगर आदमी कोई अगर यूज़ करे तो दैट विल बिकम 5 और 6 किलोमीटर्स इतना होगा, लेकिन उतना ड्रास्टिकली उतना इम्प्रूव नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं, आई थिंक 8 से कम ही हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अगर हाँ तो एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।